सीवियर सेकंड स्टॉर्म ट्रीमा जैसे ही हमने प्रेडिक्ट किया था, ऐसे ही काल मध्यरात्र को बांग्लादेश और इसके आसपास पश्चिम बंग के तट को हिट किया है। और जब ये तट को पार किया है तब इसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर पर आवर, गस्तने से 135 किलोमीटर पर आवर रहा है। इसके प्रभाव में कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जो पश्चिम बंग के हैं वहाँ हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और 1 मीटर हाइट का स्टर्म सर्ज यानी टाइडल वेव स्टर्म रिकॉर्ड हाइट के ऊपर साउथ नेटवर्क प्रोग्राम और नॉर्थ नेटवर्क प्रोग्राम की लो लाइंग एरिया को इनंडेशन करने का हमारा पूर्वानुमान था। आज सुबह ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करते हुए वीक होकर एक साइक्लोनिक स्टर्म में परिणत हो गया है और फोरनून में बांग्लादेश की मंगला से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे नॉर्थ वेस्ट दिशा पे केंद्रीभूत है और इसका सेंटर कोलकाता से 90 किलोमीटर पूर्व की दिशा में दिखाया गया है और ढाका से दक्षिण पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूरी पे है। धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में ये गति कर रहा है और आज आफ्टरनून में वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा बांग्लादेश के ऊपर और इसका डायरेक्शन मूवमेंट कंटिन्यू करेगा और आसाम मेघालय की तरफ ये मूव करेगा। इसलिए इसके प्रभाव धीरे धीरे वेस्ट बंगाल में कम हो रहा है और रेनफॉल और विंड स्पीड अभी आसाम मेघालय मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा एरिया में बढ़ने का संभावना है। इसलिए हम आज ये वार्निंग दिए हैं कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एट ए फ्यू प्लेसेस और आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है आसाम मेघालय और मिजोरम त्रिपुरा एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है और इसके साथ साथ जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का जो बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं जैसे कि साउथ और नॉर्थ नदीपुर प्रगणा, हावड़ा, हुगली, नदिया, मुर्शिदाबाद और वहाँ अलीपुर द्वार, जलपाईगुड़ी, ये सभी जिले में आज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का संभावना है। कोई एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं।